आप देख रहे हैं समाचार ए टू जेड। योगी सरकार में पुलिस हो गई है अलर्ट, तस्करों की आई सामत। संबल कोतवाली पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मोहल्ला आलम सराय में एक प्लॉट में छापा मारकर 12 पशु और 6 ट्रक बरामद किए हैं। राजस्थान से लाकर संबल में काटे जा रहे थे पशु। जो ट्रक बरामद हुए, इन ट्रकों में 2 कंटेनर भी थे, जिसमें ऐसे इंतजाम किए गए थे जिससे पशुओं को लाने ले जाने में परेशानी ना हो सके, तथा साथ ही लगा रखे थे बड़े बड़े पैड जिससे पशुओं की चीख पुकार की आवाज बाहर ना आए। पशुओं के हाथ पैर और मुंह बंद थे जब पुलिस ने उनको एक प्लॉट से बरामद किया। राजस्थान से लाए जा रहे थे पशु कटान के लिए। पशु तस्करों पर कस रहा है पुलिस का शिकंजा, फिर भी तस्कर मानने को तैयार नहीं। कब तक चलता रहेगा यह पशुओं पर अत्याचार? सर, पशु तस्कर की कुछ गिरफ्तारी हुई है, पूरा मामला क्या है? देखिए, मुखबिर की सूचना पर ये आलमसराय जगह है चंदौसी रोड पर, वहाँ पर एक बंद हाथे में लगभग 6 ट्रक खड़े पाए गए, जिनमें से लगभग 3-3 गायें भरी हुई थी। और ये लोग वहाँ पशुओं को इकट्ठा करते हैं बाहर से लाकर, और पशुओं का वध भी करते हैं, मांस को बाहर बेचते हैं। मुख्य आरोपी शमशाद है, इसके साथियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है, और जो उपकरण बरामद हुए हैं वो उनके हत्या करने के हैं, जो वध करते हैं। शमशाद सर वो ही है जिसकी पहले भी कुर्की हो चुकी है। शमशाद के खिलाफ पहले 14 कार्य के अंतर्गत करीब 6 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी इसकी और एक शरीफ पहलवान इसके साथ पहले हो चुकी थी। सर कितनी भी जानकारी मिली? बड़े पैमाने पे काम कर रहे थे ये लोग? ये बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं, और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आप देख रहे हैं समाचार ए टू जेड।